हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल आरएस डिज़ाइन। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक स्लीव डिज़ाइन, जो कि आपको ये दिख रहा है। इस टाइप का इसका स्लीव डिज़ाइन है, ये इसका फाइनल लुक है। अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें, और जिस किसी को भी इस तरीके का डिज़ाइन करना है तो वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का इसका लुक है, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए हमने इसकी लेंथ लिया 12 इंच, क्योंकि ये 3/4 स्लीव है। और इसकी चौड़ाई जो ली है, जो कि वृत्त है, वो हमने ली है 9 इंच। उसके बाद नीचे डाउन करेंगे 2.5 इंच पे, और इसको शेप देंगे। ऊपर वाली जो शेप होती है इसकी स्लीव में, जो जो शेप देते हैं कॉमन, वो है फ्रंट एंड बैक बोथ है, दोनों ही स्लीव की हमने इसमें शेप दे दी है। उसके बाद नीचे से हमारा जितनी भी हमें रखना है, जैसे कि मैंने इसमें 6.5 रखा है, आपको जितना रखना है इसमें, ये विथ मार्जिन है, विदाउट मार्जिन आपको जितना रखना है, किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है, तो उतना रख लेना, और उसके बाद कट कर देना। इस तरीके से इजीली हम कट कर देंगे। फ्रंट और बैक बोथ कट हो रहा है। ये 4-फोल्ड कपड़ा है, पहले ही मैं बता दूँ ऑन फोल्ड कपड़ा है, बट 4-फोल्ड है। उसके बाद हम अपने 2 लेयर इस तरीके से उठाएंगे और साइड से हम कट कर देंगे अपने 2 लेयर को, जो भी हमारी शेप हमने दी थी वो। उसके बाद हम अपना जितना भी है, उसके बाद हम अपना 10 इंच ले रहे हैं यहाँ से, और सिर्फ हल्का सा शेप के लिए इतना ही हम करेंगे इसको। इंची टेप जितना चौड़ा होता है उतना ही हमने इसमें लिया है, और यहाँ पर ऊपर हम अपनी गुलाई की शेप दे देंगे जितना कि हमें चाहिए। ज़्यादा इसमें हम नहीं कर रहे हैं, हल्का सा 1/2 इंच के अराउंड ही होगा ये, और ओपन करने पे ही हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो ये हमारा इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से हम अपनी अच्छे से। और जो कोई भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, तो इस तरीके का लुक है। और ये यहाँ पर हम ओरिव पट्टी काट रहे हैं, जिसको हम तिरछी, मतलब तिरछा होता है कपड़ा, उसको हमने कट किया है, ताकि हमारे इजीली ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा सर्कुलर शेप आ रही है ऊपर और नीचे दोनों में, तो वहाँ पर लगेगी ये पट्टी, ये मतलब। उसके बाद हम अपनी पाइपिंग निकालेंगे, जो हमारे सूट का फैब्रिक है उसकी। तो इसमें मेरे सूट का फैब्रिक ये है, और जो मैंने ग्रीन कलर का दिखाया था वो बॉटम का फैब्रिक है। और इस तरीके से हमें खींचते हुए पाइपिंग निकाल लेनी है, ईजीली निकल जाती है। और आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बताना मैं कमेंट में मुझे, तो मैं वो भी आपको दे दूँगी। और इसी तरीके से हम इसका पूरा ही पाइपिंग जितनी भी लगेगी, एक स्लीव में 5 लगी हैं इस तरीके से, मतलब इतनी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी कट कट करके लगी हैं। और इसी तरीके से हमें सारी बना लेनी है इस तरीके की। और ये टाइट वाली होनी चाहिए, लूज़ वाली नहीं, इसमें अंदर पूरा फिल होना चाहिए, इस तरीके की निकालनी है आपको, तो ये याद रखना। उसके बाद हम जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में पाइपिंग निकाली थी, उसी तरीके से एक नॉर्मल सिलाई की तरह हेल्प से लगा देंगे, और उसके बाद स्ट्रेट ही वो लगती है, तो उसमें कोई वीडियो शूट करने की प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, मतलब वो ज़रूरत नहीं थी। और अगर आपको देखनी है वो मैंने किस तरीके से लगाई है, तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो, जो कि मैंने स्लीव डिज़ाइन की गई थी। इस तरीके से हम इसकी पतला पतला पाइपिंग निकालते जाएंगे, बहुत छोटा सा, अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में, इस तरीके से ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको फोल्ड करना है। और ये जो मैंने पाइपिंग किस तरीके से, मतलब पहले अटैच की है, वो उसके वीडियो लास्ट वीडियो है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना, वीडियो को चेकआउट कर लेना उसको भी। वो भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बट थोड़ा सिमिलर है इससे, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसमें कुछ अलग है, इसमें अलग है। बाकी पाइपिंग हम मैंने दोनों में लगाई है, तो इसी तरीके से इसमें भी लगी है और उसमें भी। और इसमें इस तरीके से नीट एंड क्लीन वे में साइड में, एकदम साइड कॉर्नर पे सिलाई चलानी है, जो हमारा पिंक फैब्रिक है, ग्रीन पे नहीं चलानी है, पिंक फैब्रिक पे चलानी है। जो भी है, इस तरीके से हम अपना पूरे में लगा देंगे अच्छे से पाइपिंग निकालते हुए। देन उसके बाद अच्छे से, और आपको देखते हुए करना है कि कपड़ा नीचे से दूसरा फोल्ड ना हो, पिंक वाला कई बार फोल्ड हो जाता है, तो वो आपको देखते रहना है, वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारा ग्रीन वाला फैब्रिक की पाइपिंग निकलनी चाहिए। और ये पाइपिंग डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है, आपने इसका लुक तो देखा ही था कितना अच्छा है। तो ईजी वे में इसी तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही ईजी में बन जाती है, जल्दी बन जाती है, बट मैं
इसको लॉन्ग इसीलिए रखती हूँ वीडियोस को, ताकि आपको ज़्यादा डीपली समझ आए, इसलिए। तो आप देख लीजिए, इसी तरीके से हमें अपनी पूरी स्लीव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये सेकंड हमारा नीचे का राउंड आ रहा है, और नीचे से हल्का सा ना थोड़ा सा शेप दे देना, बिल्कुल हल्का सा, ताकि कॉर्नर ना निकले। यहाँ पर कॉर्नर्स हमें नहीं निकालने हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं कट किया था, तो अब कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब आप ग्रीन फैब्रिक अटैच करोगे तब कर देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है, बिल्कुल हल्की लाइट शेप। उसके बाद हमने इसके पूरे में इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है, देख सकते हो आप। और इसमें जो भी आपके एक बाजू में लगा चुकी थी, इसीलिए मैंने उसका दूसरा भी नाप का इसका रखा है। और इसका जो नाप है मैं वो आपको बता देती हूँ, मैंने डेढ़ डेढ़ इंची का स्पेस रखा है इसमें। हाँ जी, मैंने इसमें डेढ़ डेढ़ इंची का स्पेस रखा है। उसके बाद अपनी पाइपिंग लेंगे हम, इक्वल काट लेना या फिर बड़ी से छोटी करना, ऐसे इस तरीके से भी लगा सकते हो, बड़े से छोटे भी, और या फिर इक्वल भी लगा सकते हो, यह आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आपको लगाते चले जाना है, अच्छे से स्टिच करते हुए। देख सकते हो मैंने किस तरीके से लगाई है। और राइट हैंड साइड पे ये लेफ़्ट की साइड जाएंगी, और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये राइट की साइड लगेंगी, मतलब एक जो बटन है वो हमारे अंदर की साइड लगेंगे, और जो हमारी ये पाइपिंग डिज़ाइन है ये बाहर की साइड लगेगा। तो इस तरीके का कुछ इसका लुक होता है, और बहुत अच्छी लग रही थी ये। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए तो वो भी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में इजीली। और फ्रॉक की कमेंट आ रहे हैं, मैं फ्रॉक का भी एक बहुत ही अच्छी जो पार्टी वेयर टाइप गाउन फ्रॉक्स होते हैं वो लेके आऊँगी आपके लिए, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून वेट करिए। आप मेरे ज़्यादा नहीं, दो या तीन वीडियो के बाद आ जाएगी फ्रॉक की वीडियो। इस तरीके से इसका लुक आएगा, और इस तरीके से ये अटैच्ड होंगे, यहाँ पे बटन लग जाएंगे। बटन किस तरीके से लगेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमें इसका मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है इस तरीके से, ताकि हमारे गलत ना लगे, अच्छे से नीट एंड क्लीन में। और स्लीव जॉइंट तो नॉर्मल ही हुई है, जैसे हमारे बाकी स्लीव जॉइंट होते हैं वैसी ही हुई है। और अगर आपको उसकी भी वीडियो पता मतलब देखनी है तो वो भी मुझे आप बता देना कॉमेंट्स में। इस तरीके से बटन रख लेंगे, और बटन को फिर टाँकना स्टार्ट करेंगे हम अपना। और ये जो धागा है ये इसमें मैंने फोर लेयर लिए हैं, मतलब चार धागे हैं इसमें सुई में, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा टकेगा, मतलब इजीली नहीं निकलेगा। और जो ये ग्रीन वाला कपड़ा है ये हमारे बॉटम का ही कपड़ा है, तो ये आप इजीली मार्केट में 2 से 3 रुपये में बटन बन जाते हैं। अगर आपको और भी मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, आपको 1 रुपये में भी मिल जाएगा, 2 रुपये में भी मिल जाएगा। तो ये इस तरीके के इसके बटन को हम अटैच कर देंगे, और अच्छे से अटैच करना, 2 से 3 बार तो टक करना इसको, और उसके बाद अपने गीट लगा देंगे, मतलब इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। देन उसके बाद हम अपना कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक बटन लग गई है, सेकंड बटन लग रही है। कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो आप इसको राउंड करना, मतलब इस तरीके से जो हम अटैच करते हैं 2 बार आप करना, ताकि अच्छे से, क्योंकि इसमें 4 फोल्ड धागा है, 4 है, तो अच्छे से जल्दी ही टक हो जाता है, और मतलब इजीली टाइट बहुत रहते हैं ये बटन, नहीं निकलते हैं जल्दी से। और चाहे जितना भी आप फिटिंग का सिलिए इसको, फिटिंग मतलब साइड से जितनी भी दीजिए आप, बहुत ही अच्छे से रहता है, हिलते नहीं हैं ये बटन बिल्कुल भी। इस तरीके से लगाओगे तो हिलेंगे नहीं। और जो भी आपको एक्स्ट्रा धागा दिख रहा हो तो वो आप कट कर देना। इस तरीके से ही अब हमारा थर्ड बटन लग रहा है। और गाइज आप सब मुझे बताना, मैं जो वीडियोस तो फिर भी व्यू वॉच टाइम तो आप लोग ग्रो कर देते हो, बट सब्सक्राइबर ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, आपके जिन लोगों को सिलाई में इंटरेस्टिंग है, जिन लोगों को स्टिचिंग में
थोड़ा बहुत भी पसंद है तो मैं इजी मेथड में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में जो फॉर्मूलेज बताए जाते हैं मैं उस फॉर्मूलेज के आपके अकॉर्डिंग बताती हूँ। और इस तरीके का इसका लुक आ रहा है, देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन और अच्छा आया है, बहुत प्यारी लग रही है, देख सकते हो। ये थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, डिफरेंट है, अभी तक इस टाइप की वीडियो नहीं थी तो इसीलिए जो नहीं है मैं वही शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ जो वीडियोस यूट्यूब पर नहीं हैं। तो ये इस तरीके का इसका लुक है, और बताइए मुझे कमेंट में किस कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर प्लीज़ माई वीडियोज़।